लोकसभा चुनाव को लेकर शहर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो इस हेतु से जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने संवेदनशील मतदान मथकों की मुलाकात ली थी। 23 अप्रैल को गुजरात में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के चलते शहर में बिना रुकावट और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो इस हेतु से जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने शहर के संवेदनशील मतदान मथकों का जायजा लिया था। सभी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मतदान मथकों पर स्टाफ की नियुक्ति की गई थी और साथ ही पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है। चार दरवाजा विस्तार ना जेटला भी मतदान मथकों से त्या अमे लोग ज्या वधारे एक करता पांच छः बूथों से बिल्डिंग में एना जोवा माटे साथोसाथ पुलिस बंदोबस्त ने हिसाब से केटला मानसों में जरूरत रहेशे। बीजा आ विस्तार लोगों साथे जो अमारे एक भी संवाद त्या वार्ताओं थी कि आ लोगों के निष्पक्ष वातावरण में रहीने भयमुक्त होता बिना कोई लालच में आने मतदान करे एना माटे भी चर्चाओं थी एना कोई तकलीफ हो एना माटे भी चर्चाओं थी साथोसाथ अमारा पुलिस अधिकारी भी अवारनवार आ विस्तार में लोग समझता रहे अने एनी भी जो कोई जरूरियात हो कोई सूचन हो एना भी अमे लईए अने आ रीते अमारा बंदोबस्त टीम में नाखी जेथी खूब सारी रीते अने फ्री एंड फेर इलेक्शन थाय एनी तैयारी भाग रूपे अमे लोग अत्यारे जो विजिट लई लीए छीए। आज पुलिस कमिश्नर साहब निकलिया छे अने जो मतदान मथको छे त्यां जई रह्या छे अने आमां बधी प्रकारनी सुविधाओ छे कि केम अने लोकोने इलेक्शन बाबतमां माहितगार करी रह्या छे। मतदार यादीमां जो विभिन्न वस्तुओ छे एना माटे पण अमे माहितगार करी रह्या छे, लोको साथे वातचीत करी रह्या छे अने पुलिस तंत्र अने जिल्ला चूंटणी तंत्र मळीने इलेक्शननी समग्र प्रिपेरनेस ए जोवा माटे अमे निकळ्या छे।